हेलो गाइज, वेलकम बैक टू रेसलिंग ऑन। तो गाइज, इस वीडियो में मेरे पास हर बार की तरह आपके लिए WWE और AEW से जुड़ी काफ़ी सारी बातें हैं, जहां बात करेंगे कि आखिर रोमन रेंस के पीछे पागल हो चुके हैं विंस मैकमैन, और बात करेंगे कल होने वाले AEW डायनामाइट शो और NXT के बारे में। तो गाइज, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, इसे लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो गाइज, वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं रोमन रेंस और विंस मैकमैन से। जैसे कि हम सब जानते हैं, रोमन रेंस और विंस मैकमैन के बीच में कुछ ना कुछ तो चल रहा है, और इसकी हिंट हमने रॉक एपिसोड में भी देखी थी, जब रेसलमेनिया 31 की क्लिप से रोमन रेंस को हटा दिया गया था, जो कि मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बता दिया है। तो गाइस, अब न्यूज़ निकल कर आ रही है रेसलिंग ऑब्जर्वर रेडियो पर ही। ब्रायन एल्सवर्थ ने बताया गाइस कि रोमन रेंस और विंस मैकमैन के बीच कुछ ना कुछ तो चल रहा है, और वो ऐसे उन्होंने बताया कि विंस मैकमैन को लगता है ये जो भी पूरी वायरस वाली सिचुएशन है वो सिर्फ एक फ्लू है, और उसे इतना सीरियसली नहीं ले रहे हैं, जिसकी वजह से आपको शो चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। वही रोमन रेंस को लुकीमिया और उन्हें अपनी जान की परवाह जो कि हर एक को होगी, इसलिए वो शो नहीं कर रहे, और शो में हमें दिखे भी नहीं, जैसे कि रेसलमेनिया। उसके बाद गाइस, विंस मैकमैन अभी पागल हो चुके हैं और वो चाहते हैं रोमन रेंस आएँ, लेकिन जब रोमन रेंस नहीं आ रहे, जब उन्हें पता चला कि रोमन रेंस अब आएंगे जब तक पूरी सिचुएशन ठीक नहीं हो जाएगी, वो एकदम पागल हो चुके हैं, जिसके चलते उन्होंने आपको रोमन रेंस के बारे में कुछ भी नहीं बताया टेलीविज़न पर। और गाइस, इसी पर मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ, और वो ये टेलीविज़न पे तो हमें रोमन रेंस के बारे में कुछ भी नहीं बताया जा रहा है, लेकिन गाइस, अगर आप सोशल मीडिया पर WWE को फॉलो करते हैं तो वो लगातार रोमन रेंस के बारे में पोस्ट करते रहते हैं। जैसे कोई मेक ए विश या फिर उनकी नई मूवी या फिर कुछ भी प्रमोट करना हो, या फिर फॉक्स का कोई शो वगैरह, तब रोमन रेंस का नाम लिया जाता है, लेकिन टेलीविज़न पर नहीं लिया। और गाइस, इसके पीछे का रीज़न ये है क्योंकि हम सब जानते हैं रोमन रेंस कब आएंगे ये किसी को नहीं पता, और ये फ्लू या फिर मैं कहूँ वायरस कब जाएगा ये भी किसी को नहीं पता। तो अभी WWE के पास कोई सवाल जवाब है नहीं रोमन रेंस को लेकर। और हम सब जानते हैं WWE की स्टोरी लाइन रियल लाइफ से काफ़ी अलग चलती हैं, तो वहाँ पर उनको जवाब देना ही पड़ेगा रोमन रेंस के रिलेटेड, इसलिए WWE उस प्रॉब्लम में पहुँचना ही नहीं चाहती, इसलिए उन्होंने रोमन रेंस का नाम टेलीविज़न पर नहीं लिया, और कुछ भी क्लिप्स वगैरह में वो हमें देखने को नहीं मिले। तो गाइस, आई होप आपको पूरा रीज़न समझ आ गया होगा कि रोमन रेंस और विंस मैकमैन के बीच अभी फिलहाल क्या सिचुएशन चल रही है। इस पर अगर और अपडेट्स भी आएंगे तो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी। और गाइस, जल्दी से अब बात कर लेते हैं कल होने वाली NXT और डायनामाइट के बारे में। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं NXT की। तो गाइस, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मैचेस अनाउंस कर दिए गए हैं, जैसे कि हमें मैच देखने को मिलेगा डोमिनिक डायजाकोविक वर्सेस जॉनी गर्गानो के बीच। इनकी फ्यूड रिसेंटली ग्रो कर रही है, और देखना इंटरेस्टिंग रहेगा यहाँ पर कौन जीतने वाला है, और यहाँ पर रिंग साइड पर कैंडी स्लरे भी रहेंगी। उसके अलावा गाइस, जो NXT वुमेन चैंपियनशिप का मैच भी कन्फर्म हो चुका है, जो कि होगा गाइस इयो शिराय वर्सेस NXT वुमेन चैंपियन शार्लेट फ्लेयर के बीच, और यहाँ पर मुझे लगता है कि शार्लेट फ्लेयर शायद अपना टाइटल डिफेंड कर ले, या फिर ऐसा भी हो सकता है WWE इन दोनों की राइवलरी को आगे खींचना चाहे, उसके लिए इस मैच को स्क्रू भी किया जा सकता है, कुछ भी हो सकता है, और हमें मेन रिजल्ट तो NXT पर ही देखने को मिलेगा। उसके अलावा गाइस, एक और बड़ी टीम के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि है फिन बैलर का मिस्ट्री अटैकर। हमने लास्ट वीक देखा था फिन बैलर पर अटैक कर दिया गया था किसी ने, और गाइस इस वीक हमें पॉसिबली फिन बैलर उस मिस्ट्री अटैकर को कॉल आउट करते हुए दिखाई दें, जिसके बाद हो सकता है ये रिवील भी हो जाए कि आखिर फिन बैलर पर अटैक किसने किया था। उसके बाद गाइस, जो शो की मेन हाईलाइट है वो NXT चैंपियनशिप का मैच एडम कोल बेबे वर्सेज वेलवेटीन ड्रीम, और काफ़ी ज़्यादा लंबे देर तक वेलवेटीन ड्रीम एडम कोल के पीछे भाग रहे थे, और पॉसिबली अब उन्हें टाइटल शॉट मिल चुका है, और एडम कोल के पास काफ़ी ज़्यादा देर तक NXT चैंपियनशिप है, और मैं चाहूँगा यहाँ पर वेलवेटीन ड्रीम जीत जाए। गाइस, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर प्रिडिक्ट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन मुझे लग रहा है शायद यहाँ पर आपको न्यू NXT चैंपियन देखने को मिले, या फिर अनडिस्प्यूटेड एरा भी इस मैच में इंटरफेरेंस कर सकती है। लेकिन गाइस, ऑफिशियल रिजल्ट के लिए हमें कल NXT का वेट करना पड़ेगा। और अब गाइस, हम चलते हैं अब जल्दी से AEW डायनामाइट की तरफ, जहां पर सबसे पहले हमें मैच देखने को मिलेगा जो कि एडवर्टाइज और अनाउंस कर दिया गया है, और गाइस वो है कोडी वैसे जो जनेला के बीच। और गाइस, यहां पर आपको कोडी जीतते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि उनका मैच सेट हो चुका है TNT चैंपियनशिप के लिए एट डबल और नथिंग अगेंस्ट लैंस आर्चर। तो यहां पर आपको कोडी जीतते हुए दिखाई देंगे, जिससे उन्हें मोमेंटम मिल जाए AEW डबल और नथिंग पेपरव्यू के लिए। उसके अलावा हमें लेंस आर्चर वैसे क्विंट मार्शल के बीच भी मैच देखने को मिलेगा, और यहाँ पर गाइस मेरी पिक होगी लेंस आर्चर, क्योंकि उनका मैच होने वाला अगेंस्ट कोडी, और उन्हें भी मोमेंटम की ज़रूरत है, और जिस तरह उन्हें बुक किया जा रहा है मुझे नहीं लगता वो यहाँ पर हारने वाले हैं। उसके अलावा गाइस, आपको AEW वर्ल्ड चैंपियन जॉन मॉक्सली वर्सेज फ्रैंकी कजारियन के बीच भी मैच देखने को मिलेगा, और मुझे लगता है यहाँ पर जीतने वाले जॉन मॉक्सली। उसके अलावा गाइस, आपको एक और बड़ा मैच देखने को मिलेगा, जो कि होगा मैट हार्डी का यहाँ पर AEW डायनामाइट पर अपना इनरिंग डेब्यू, और वो टैग टीम मैच में लड़ने वाले हैं, उनके साथ होंगे कैनी ओमेगा, और उनके अपोनेंट होने वाले हैं गाइस सैमी गुवेरा और क्रिस जेरिको। और गाइस, मुझे लगता है यहाँ पर जीतने वाले हैं
मैट हार्डी और कैनी ओमेगा, और ऊपर से गाइस ये मैच होने वाला है एक स्ट्रीट फाइट, तो इस मैच में तो और भी ज्यादा मजा आने वाला है। और गाइस हमें एनएक्सटी और एडब्ल्यू के कल होने वाले शो के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि कल आपको चैनल पर वीडियो मिल जाएगी। एंड गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो गाइस इस वीडियो को लाइक करना तो कहीं मत जाना, और कमेंट्स करके मुझे बताना आपके क्या थॉट्स है एनएक्सटी और एडब्ल्यू के कल होने वाले शो के बारे में। और गाइस साथ ही साथ आप कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन, ताकि आपको हमारे चैनल पर अच्छी डब्ल्यूडब्ल्यूई और प्रो रेसलिंग से जुड़ी सारी बातें जानने को मिलती रहे। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।